गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 9th of February 2022। डॉलर स्टेडी एज मार्केट्स एसेस पावेल्स कमेंट। अभी है 103.50 पे, ये कंसोलिडेट कर रहा है ऑन 7th फरवरी का जो डोजी कैंडल है उसके अंदर में। सो ये डोजी कैंडल के हाई के ऊपर थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लो के नीचे थोड़ा सा सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंतजार रहेगा फर्दर प्राइस एक्शंस का। डॉलर रुपी कल एक मूवमेंट हुआ है इन बिटवीन 82.79 and 82.46 के बीच में एंड क्लोज्ड एट 82.63, अभी है 82.61। सो दैट बीइंग द केस, ये जो एक जोन है दैट हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस वर्सेस द इंक्लाइंड रेजिस्टेंस लाइन, ये आपका एक एरिया है जहाँ पे प्राइस एक्शंस को हमें इंतजार करना है। यहाँ पे हमने एक इंडिकेटिव रेजिस्टेंस जोन मार्क किए हुए, बट रेजिस्टेंस क्या ले रहा है प्राइस एक्शन वो हमें देखना पड़ेगा। वन कंसर्न इज दैट RSI इज अबोव 60 एट 62.50, क्या ये दोबारा 60 के नीचे आ जाता है? अगर जब नीचे आ जाएगा तो रुपी में थोड़ा सॉफ्टनेस देखेगा, एल्स क्या ये 60 के आसपास सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जा रहा है? ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म में हम देखेंगे 15 मिनट एंड एक घंटा में, सो प्रोबेबल सपोर्ट जो है आपका फर्स्ट सपोर्ट एट 82.5052 एंड द सेकंड सपोर्ट इज एट 82.4043 में, और इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस इज एट 82.7274 एंड सेकेंड रेजिस्टेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी एट आपका 82.86। दीज आर द फोर इंट्राडे पर्पस सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। GBP डॉलर आपका है 1.2065, ये लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट 7th फरवरी का जो डोजी कैंडल है उसका रेंज को ब्रेकआउट के लिए इंतजार कर रहा है। बिलो द लो एक फर्दर सेल ऑफ कंटिन्यू एक्सपेक्ट हो सकता है, अबव द हाई थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। GBP INR में भी आपका प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, इसको अगर नीचे जाना है तो 6th फरवरी के लो के नीचे कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंट्राडे पर्पस में GBP INR का अगर हम देखेंगे तो प्रोबेबल जो सपोर्ट हो सकता है फर्स्ट सपोर्ट एट 99.45, सेकेंड सपोर्ट आपका है 99.05, ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस 99.80 एज द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड 99.93 एज द सेकेंड रेजिस्टेंस लाइंस। यूरो डॉलर 1.0716, ये आपका 7th फरवरी का डोजी के अंदर में ही कंटिन्यू कर रहा है, ब्रेकआउट के लिए आइदर साइड जाना पड़ेगा। नीचे की तरफ अगर जाएगा तो मींस ब्रेक डाउन बिलो द लो ऑफ द डोजी कैंडल में ठीक यूरो डॉलर फर्दर लोअर टुवर्ड्स 1.06 एंड अबव द हाई इट में टेक हायर टुवर्ड्स 1.083040 लेवल्स। यूरो INR अभी है आपका 88.59, सो ये अभी भी कन्विंसिंगली ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है उसके नीचे क्लोज नहीं दिया कन्विंसिंगली, सो इसको अगर नीचे जाना है तो 6th फरवरी के लो के नीचे कंटिन्यू करना पड़ेगा, देन हम एक अच्छा खासा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर येन 131.70, ये आपका 130.5060 पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, दैट वाज आवर एक्सपेक्टेशंस। क्या ये नीचे थोड़ा सा डीप मार के फिर ऊपर जाता है? इन सच ए केस ये आपका जो 6th फरवरी का हाई है उसके ऊपर अगर क्लियर कर देता है ऊपर की तरफ, इन सच ए केस हम एक अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं एंड द प्रोबेबल रेजिस्टेंस मे बी एट 134.00 एंड 137.75 एज द इमीडिएट टू रेजिस्टेंस लेवल। जब JPY INR आपका 6th फरवरी को ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया फिर ऊपर बाउंस बैक किया, अभी फिर ये कंसोलिडेट कर रहा है 7th फरवरी के रेंज के अंदर में। दैट मीन द केस आपका 7th फरवरी के लो के नीचे हम फर्दर सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अबव द हाई ऑफ द 7th फरवरी कैंडल वी मे एक्सपेक्ट सम
अपवर्ड मूवमेंट। डॉलर कैंडल 1.3450 ये प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा जो इसका जो रेगुलर ट्रेंड है लोअर लो उसको चैलेंज करने का प्रयास कर रहा है। दैट मीन द केस वी नीड टू सी व्हाट सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन इज टेकिंग प्लेस हियर। सो और थोड़ा क्लैरिटी का जरूरत है। ऑसी डॉलर 0.6920 ये आपका 6850 का सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया है, अभी प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा प्राइस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, प्राइस एक्शंस क्या बताने का प्रयास कर रहा है। टिल दैट टाइम सम साइडवाइज कंसोलिडेशन बिटवीन 0.6850 ऑन द लोअर साइड एंड आपका 0.7050 टू 0.71 ऑन द हायर साइड। CNH 6.7850 यहाँ पे ये अभी ये दोबारा जो प्रीवियस जो रेंज था कंसोलिडेशन रेंज उसके अंदर में आ चुका है। इसको अगर ऊपर की तरफ जाना है तो 6 फरवरी का हाई के ऊपर कंसोल कंटिन्यू करना पड़ेगा, एल्स फिर ये थोड़ा साइडवाइज कंसोलिडेशन फेज पे आ जाएगा। UKL 84.93 ये आपका 79.25 लेवल से बाउंस बैक किया, 3 बैक टू बैक बुलिश कैंडल्स, दैट बीइंग द केस अभी हमें देखना है क्या इमीडिएट जो स्विंग हाई है दैट इज एट 89.20 इसको ऊपर कंटिन्यू करता है या नहीं। अगर करता है तो एक ट्रेंडेड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर साइडवाइज कंसोलिडेशन, कभी थोड़ा सा ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। US 10-year treasury 3.609 ये आपका 3 दिन 3rd February 6th February एंड 7th February के अपवर्ड मूवमेंट के बाद कल एक थोड़ा सा करेक्शंस देखा गया है। ये अभी करेंटली एट 3.6110 दैट मीन द केस क्या आपको ये जो डेली RSI एट 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। एल्स क्या ये आपका इस लेवल पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। थोड़ा सा प्राइस एक्शंस अभी ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस दिशा पे ये जाने का प्रयास कर रहे हैं। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।